Hello friends, my name is Viren Singh. Welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the overview of biochemistry. So let's discuss what is biochemistry first. What is biochemistry? If you dissociate this term, that is biology plus chemistry. So if you want to understand any term in biochemistry or in any system in any life science, just separate those terms, biology and chemistry, like this biochemistry. And basically, biochemistry can be defined as all the chemical processes occurs in biological system. So biochemistry is all about all the chemical processes occurs in biological system. This is the overview of biochemistry. Basically, biochemistry is all about the chemical processes. ठीक है? तो आपने chemistry में कुछ पढ़ा होगा. Chemistry में कुछ important biomolecules होते हैं. कुछ compounds होते हैं like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus. तो ये कुछ बेसिक बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स. ये बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनको बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. तो ये जो केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, अगर इनकी बात की जाए तो ये आपस में कंबाइन करके वो कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं उनकी बात करें तो कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं अगर ये कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. पहला अमीनो एसिड्स, दूसरा न्यूक्लिक एसिड, तीसरा फैटी एसिड, फोर्थ वन सुगर्स एंड द फिफ्थ वन इज विटामिन्स. ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स है जो कि नेचर में पाया जाता है. इन बायोमोलिक्यूल से क्या क्या, अमीनो एसिड से क्या बनता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है डीएनए और आरएनए, फैटी एसिड से बनता है फैट्स एंड लिपिड्स, एंड सुगर से बनता है कार्बोहाइड्रेट्स. विटामिन्स यूज किए जाते हैं कुछ एंजाइम्स के थ्रू एज ए एक्टिव साइट, एज ए कोफैक्टर. ठीक है, तो दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली जिनके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इनका फंक्शन क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, तो वी विल सी these biomolecules one by one in the biochemistry. So this is the overview of biochemistry in which we deal with amino acids, nucleic acids, fatty acids, sugars and vitamins. One and another important thing, enzymes is included in the protein. All the enzymes except ribozyme are proteinaceous in nature. Basically ribozyme is RNA in nature. These compounds forms these biomolecules and there is a bonds between these chemical compounds. ये किसी ना किसी तरीके से interact करते होंगे, तो वो जो chemical interaction होता है हम उनको भी बेसिक्स देखेंगे कि किस केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू ये कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं जो कि इन कंपाउंड्स में होते हैं जो कि ये एटम्स बाइंड करके ऐसे बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं. लेट्स सी अबाउट द केमिकल इंटरेक्शंस अकर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम. ओके, तो केमिकल इंटरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज केमिकल बॉन्डिंग. Chemical bonding can be classified into two parts. The first one is strong bonding and the second one is weak bonding. The strong chemical bonding
कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज कोवेलेंट, सेकेंड वन इज आयनिक बॉन्डिंग, थर्ड वन इज मेटालिक. दिस इज द थ्री टाइप ऑफ बेसिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. सो लेट्स क्लासिफाई द वीक बॉन्डिंग, वीक केमिकल बॉन्डिंग. वीक केमिकल बॉन्डिंग कैन बी क्लासिफाइड ऑल्सो इन थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द सेकेंड वन इज वैन डर वाल इंटरेक्शन, एंड द थर्ड वन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इन सम बुक्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज इंक्लूडेड इन वैन डर वाल इंटरेक्शन, बट इन स्टैंडर्ड बुक्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज सेपरेट फ्रॉम द वैन डर वाल इंटरेक्शन. आई विल टेल यू लेटर हाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वैन डर वाल इंटरेक्शन. So let's see one by one. So what is chemical bonding? तो like with जैसे दो लोग होते हैं उनके बीच में कुछ share होता है और कुछ भी जैसे कोई बातें share हुई तो उन बातों की वजह से क्या होता है उनके बीच में एक bond develop होता है. ठीक है, तो like with की अगर कुछ share हो रहा है तो उससे एक bond develop होता है. Similarly when there is two atoms, अगर दो atom है वहां पे तो इनके बीच में जब तक कुछ share नहीं होगा bond नहीं बनेगा. तो वो sharing क्या होता है basically sharing of electrons. क्यों इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, क्योंकि जब आप एटम को देखें तो एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके आउटर ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन होता है. जो कोर होता है उसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि एक्सेसिबल नहीं है सरफेस पे. शेयरेबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता रहता है. ठीक है, तो इसीलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है केमिकल बॉन्डिंग में. जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा देन जो बॉन्डिंग होगी वो होती है आयनिक बॉन्डिंग, दैट इज कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लाइकवाइज अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए आयनिक बॉन्डिंग को तो आप NaCl को कंसीडर करिए. ठीक है, NaCl इसमें सोडियम क्या होता है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के पास 17, और जो भी एटम्स होते हैं वो बेसिकली स्टेबल की स्टेट में होना चाहते हैं, या तो 2 पे होगा, 10 पे होगा या 18 पे. तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक देना चाहेगा ताकि वो स्टेबल हो सके, एंड क्लोरीन के पास एक रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके. तो ये जो कंप्लीट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के पास वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन के पास, जिसकी वजह से सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे एक निगेटिव चार्ज. ये शो करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है. ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है. यहाँ पे आयन्स सेपरेट होते हैं और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. जब ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता तो इनकंप्लीट ट्रांसफर हो उस केस में कौन सा बॉन्ड बनता है, उस केस में बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो उसका एक बहुत ही इजी एग्जांपल है. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत ही इजी एग्जांपल है H2O. यहां पे क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है. क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन लेता है इससे, लेकिन हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, ये जीरो एंटिटी हो जाएगी. दैट्स व्हाई ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होने देता. यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन एक और एक ये दोनों मिलता है तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का पूरा हो गया. और इसकी वजह से अगर यहां से देखेंगे आप तो यहां से 8 इलेक्ट्रॉन, तो जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली उस ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन इससे होता है, तो ऑक्सीजन 8 की जो वो होती है वैलेंसी वो 10 में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन के शेयर होते हैं. बट कंप्लीट शेयरिंग यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि उसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी शेयर करता है हाइड्रोजन भी और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन भी, तो इनकम्प्लीट शेयरिंग होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, जिसके बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग. और उसके बाद आते हैं मेटालिक बॉन्डिंग में. Let's see the metallic bonding. Metallic bonding में क्या होता है कि either ionic bonding और covalent bonding mix हो सकते हैं, और generally जब metals involved होते हैं like iron, zinc, manganese, iron जैसे कि present होता है आपका hemoglobin में, तब
तो ये जब मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं, आयरन अगर बाइंड करता है तो बेसिकली जो भी मेटल्स होते हैं वो बाइंड करते हैं आयनिक फॉर्म में, ठीक है, और वो पूरा का पूरा मेटेलिक जो कंपाउंड हो सकता है वो दोनों कोवेलेंट आयनिक दोनों में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कोवेलेंट आयनिक मेटेलिक, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वीक बॉन्डिंग। वीक बॉन्डिंग की बात करी जाए तो उसमें एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन जिसका की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, इनसे अगर हाइड्रोजन बाइंडेड है तो इसके क्या होता है कि ये हाइड्रोजन क्या इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन अगर किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बाइंड होता है तो ये जो बॉन्ड बनता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर दो वाटर मॉलिक्यूल को देखा जाए, ठीक है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये एक ऑक्सीजन, एक एक वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन होता है क्योंकि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये वीक बॉन्डिंग होती है इसलिए हम इसको डैश से शो करते हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो ये जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट जो वीक बॉन्ड होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को समझने के लिए कि यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहां पे एच एच है, ठीक है, तो यहां क्या होता है ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेता है तो इधर क्या होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाती है और इस साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो हो जाती है, ठीक है, तो एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है यहां पे। एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ये डाइपोल ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल होगा जिसपे कि पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो डाइपोल दूसरे डाइपोल से इंटरेक्ट करेगा और उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंट्रैक्शन होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। लेट्स सी अबाउट द वैन डेर वाल्स फोर्सेस। वैन डेर वाल्स इंट्रैक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। You can define the van der Waal interaction like कि interaction due to dispersion of electrons. The van der Waal forces is like dispersion of electrons. Let's see the different type of chemical bonding, their bond energies and their melting point and their stability order or strength order. तो strength order की बात की जाए तो कोवेलेंट बॉन्डिंग द बॉन्ड एनर्जी इज 90 किलो कैलोरी पर मोल, मेल्टिंग पॉइंट इज 3300 किलो जूल। फॉर आयनिक बॉन्डिंग देयर इज बॉन्ड एनर्जी 80 किलो कैलोरी पर मोल, फॉर मेटालिक इट इज 40 नियर अबाउट 40, फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज 1 to 10 एंड फॉर वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन इट इज 1 to 5। सो फ्रॉम दिस यू कैन सी द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज इन दिस ऑर्डर, फर्स्ट विज कोवेलेंट, देन आफ्टर दैट आयनिक, देन मेटेलिक, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन वैन डेर वाल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया सीएसआईआर पार्ट बी में 2013 में कि सबसे वीक इंट्रैक्शन कौन सा होता है, तो आप देख सकते हो सबसे वीक जो इंट्रैक्शन होता है वो होता है वैन डेर वाल्स, सबसे स्ट्रॉन्ग जो इंट्रैक्शन होता है वो होता है कोवेलेंट, ठीक है। तो
दिस इज ओवरऑल अबाउट द केमिकल इंटरेक्शंस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.